नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल से आने वाले कुछ समय में करनाल में बड़े स्तर पर जो महान जरनैल बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया हैं, उनकी 300वीं जन्म शताब्दी को लेकर बड़ा ही एक जोरों शोरों से और एक बड़े स्तर पर एक भव्य आयोजन करनाल में रहने वाला है। और पूरे देश में इस भव्य आयोजन की क्या कुछ तैयारियाँ हैं उसको लेकर आप देख सकते हैं। रामगढ़िया फेडरेशन के जो तमाम सदस्य हैं ऑल इंडिया लेवल के, वो आज यहाँ पर करनाल के डेरा कार सेवा में पहुंचे और उन्हीं से हम जानकारी लेंगे, क्योंकि मैं आपको ये एक जरूर बड़ी जानकारी देना चाहूंगी कि इस समागम में बहुत सारे संत महापुरुष भी हिस्सा लेंगे जो कि हरियाणा, दिल्ली और अन्य क्षेत्रों से पहुंचेंगे करनाल में भी और करनाल के आसपास की जगहों में भी। हम बात ही कर लेते हैं सर, क्या कुछ इस समागम में रहने वाले और किस तरीके से इस बड़ी शताब्दी को मनाने वाले हैं। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपने ये मौका दिया यहाँ करनाल की संगत के साथ, हरियाणा की संगत के साथ रूबरू होने का। प्रोग्राम की जो बात है, ये एक महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का प्रोग्राम 300 साल शताब्दी मनाई जा रही है, जो अपने आप में एक अचीवमेंट होगी। महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया केवल एक सेक्ट, इस रामगढ़िया सेक्ट के जर्नल नहीं थे, वो पूरी सिख कौम और पूरी मानवता के कौम थे। उसका इसलिए प्रतीक कह रहा हूँ ये मानवता के कौम थे कि लाल किला फतेह करने के लिए महाराजा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, बाबा बघेल सिंह जी, जस्सा सिंह जी आलूवालिया, इन तीन जर्नलों ने लाल किला फतेह किया था, मुगलों का राज खत्म किया था। और उसकी जो सिल जिसपे वो मुगल राज अपना राज तिलक करती थी, वो सिंहासन उठा के दरबार साहब में आज भी प्रत्यक्ष वहाँ पे स्थापित किया गया है, और जो भी उसके दर्शन करना चाहता है करें। सिख कौम में एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, और जर्नलों में एक बहुत बड़ा नाम है तीनों जर्नलों का, हमारे बाबा बघेल सिंह जी, जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, जस्सा सिंह जी आलूवालिया जी का। कहाँ पर ये आयोजन रहने वाला और करनाल में किस स्तर पर मनाया जा रहा है? ये शुरुआत तो मैं धन्यवाद करता हूँ पन्नू जी की, रामगढ़िया जी की, जिन्होंने ये शुरुआत की सोच, उन्होंने ये लेके चले। प्रोग्राम ये शुरू होगा 1 मई से दिल्ली से प्रोग्राम पहली को शुरू होगा। महाराजा जस्सा सिंह जी को जो शताब्दी है वो 5 मई की है, जो कि हम SGPC की तरफ से बहुत जोरों शोरों के साथ अमृतसर में मनाया जाएगा। तो क्योंकि लाल किला से ये फतेह मार्च शुरू हुई थी, लाल किला फतेह करके ये इसीलिए शुरुआत 1 मई से दिल्ली से चलेगा, 2 को करनाल रुकेगा, 3 को अम्बाला, ऐसे करते करते लास्ट में 4 तारीख शाम को हमारा प्रोग्राम अमृतसर पहुंचने का है। और इसके अंदर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और SGPC सब मिल के पूरा सहयोग दे रहे हैं। कई जत्थेदारी, पूरी संस्थाएं जुड़ी हैं, सभी संस्थाएं जुड़ी हैं, क्योंकि महाराजा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी सिर्फ एक कौम के प्रधान नहीं थे, पूरी मानवता के कौम के प्रधान थे। लेकिन जिस जगह पर सर हम खड़े हैं, ऐतिहासिक जगह है, करनाल है, करण नगरी है, यहाँ पर किस तरीके से आयोजन रहने वाले और किस तारीख को आयोजन रहने वाले? मेरे ख्याल शुरुआत यहीं से हुई है, पहली करनाल से हुई है। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इट्स ए शताब्दी मनाने का, ये कुछ छोटा प्रोग्राम नहीं है, इट सेल्फ इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट एंड अ वेरी बिग टास्क बाय इट सेल्फ। और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम रहने वाला, कुछ छोटा प्रोग्राम नहीं होगा। ये आपका शुभ नाम सर? मैं गुरमिंदर सिंह मतारू, सरप्रस्त ऑल इंडिया रामगढ़ी विश्वकर्मा फेडरेशन। थैंक यू वेरी मच। आज डेरा कार सेवा में पहुंची, पहुँचेंगे, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं कि जो रामगढ़िया फेडरेशन से जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब वो रवाना होते हुए भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं, और जो तमाम किसान नेता हैं वो भी यहीं पर हैं। जगदीप सिंह औलख हैं हमारे साथ। सर, किस तरीके से जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जो कि महाराजा हैं, सिख कौम के जाना माना नाम है, उनकी शताब्दी को मनाया जा रहा है, उनके जन्मदिवस को मनाया जा रहा है? सिख कौम के जो महान जरनैल बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की जो जन्म शताब्दी आई है, 300वीं जन्म शताब्दी है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा मई के अंदर 1 से 7 मई में एक प्रोग्राम रखे गए हैं। आज उसी को लेकर ये मीटिंग रखी गई है। ये अकेली करनाल की मीटिंग नहीं है, पूरे हरियाणा से, दिल्ली से सिख लोग आए हैं। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँ, वो सिर्फ सिख कौम के लिए उनकी देन नहीं है, जो उन्होंने इस देश को उन्होंने दिया, वो पूरे देश के जर्नैल हैं जिन्होंने उस समय में मुग़लों के साथ लड़ाई लड़ी। तो आज ऐसे जो हमारे महान शहीद, जो हमारे महापुरुष हैं, आज उनको याद रखने की ज़रूरत है। जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनसे प्रेरणा ले। ये जन्म शताब्दी मनाने का भी मकसद ये है कि जो हमारा इतिहास है उसको याद रखा जाए। आज उसी की रूपरेखा बनाने के लिए सभी लोग आए हैं, और ये सिख कौम के अलावा 36 बरादरी को इसमें शामिल होना चाहिए।
क्योंकि इस देश को मुगलों से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किए, शहादतें दी। आज जरूरत है हम सभी उनको याद करें और इस जन्म शताब्दी में हिस्सा। करनाल में भी महासमागम? हाँ, करनाल में भी प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम में। देखो, सेवा में रहने वाले सर, अभी मीटिंग समाप्त होने के बाद ऑफिशियल तौर पे पूरा प्रोग्राम बताया जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम तो एक टेंटेटिव बन चुका है, पर फिर भी उसमें कुछ चेंजिंग ना हो तो करनाल में भी 6 से 7 तारीख के बीच में 2 बड़े प्रोग्राम होंगे और करनाल की संगत का, पूरे ज़िले की संगत का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहने वाला है और इसी की आज रूपरेखा बनाने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। तो जगदीप सिंह औलख हैं, किसान नेता हैं, जिनका ये कहना है कि ना केवल सिख कौम बल्कि 36 बिरादरी को इसमें शामिल होने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है। सर, पीछे हमने देखा कि जो हरियाणा राज्य सरकार है, यानी राज्य सरकार भी अलग अलग जो महापुरुष हैं उनके भी अलग अलग कार्यक्रम करती हुई नज़र आ रही थी और ऐसे में इस शताब्दी को भी बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है उसी तरीके से? नहीं, अभी तो सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल हमें नहीं मैसेज है, लेकिन हम सारी सिख कौम मिलके अपने महान जरनैल जो सूरवीर योद्धा थे, वो योद्धा थे जब जहांगीर ने जिस तख्त पे बैठ के गुरु अर्जन देव जी को शहीद कराने का हुक्म जारी किया था, इन्होंने वो जंग जीती, लाल किला जीता और वो सिल वहाँ से उखाड़ी जिससे बैठकर मुगल जो हैं हुक्म जारी करते थे, वो सिल ही उखाड़ के श्री दरबार साहब अमृतसर में सुशोभित कराई। और आज उनका एक बुंगा, रामगढ़िया बुंगा जो है, वो श्री दरबार साहब अमृतसर जिसे हम गोल्डन टेंपल कहते हैं उसकी परिक्रमा में सुशोभित है। वो एक ही बुंगा है, 1984 में जब अटैक हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तब भी उस वही बुंगा बचा है, बाकी सारे तोपों से टैंकों से नष्ट कर दिए गए थे। तो हमारा बहुत बड़ा इतिहास है बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का, वो जरनैल है जिन्होंने हिसार का एरिया जीता, रोहतक जीता, और आज भी जो एक गांव हमारा पन्नू गांव, पन्नुओं का एक बहुत बड़ा गांव थुनाना जो हिसार में है बसा पड़ा है, वो ओरिजिन उनका पंजाब से है, तो वो सारा इलाका इन्होंने जीता। ये हरियाणा के कई इलाके उन्होंने जीत के दिल्ली को जीता, दिल्ली को एक बार नहीं कई बार फतेह किया। वो इसलिए किया, जो उस टाइम हुक्मरान थे वो लोगों पे, आम लोगों पे जुल्म बहुत करते थे, उस जुल्म को रोका बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने। तो उनकी 300 साल शताब्दी है, तो पूरी सिख कौम, पूरा समाज एकजुट होकर उससे मनाने जा रहा है। तो उसके लिए एक स्टेट लेवल की ये मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज़ की और अब इसमें कैसे कैसे प्रोग्राम होगा, कहाँ कहाँ से चलेगा, इसीलिए दिल्ली से फतेह मार्च हम शुरू करेंगे लाल किला से और वो सीधा अमृतसर पहुँचेगा, फिर जहाँ जहाँ स्टे होगा, रास्ते में वो स्टे होगा, संगत उनका स्वागत करेगी। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया सिख कौम के एक बड़ा नाम, शूरवीर योद्धा, और उनका जो 300 यानी कि जो उनके साल कंप्लीट हुए हैं और उनकी जन्म शताब्दी को यहाँ पर मनाया जा रहा है। 1 मई से दिल्ली से शुरुआत होगी और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे वो भी iBen24 आपको आने वाले कुछ दिनों में बता देगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं iBen24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।